आज के छात्रों को भी नहीं पता होगा कि भारतीय भाषाओं की वर्णमाला विज्ञान से भरी है। वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर तार्किक है और सटीक गणना के साथ क्रमिक रूप से रखा गया है। इस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अन्य विदेशी भाषाओं की वर्णमाला में शामिल ही नहीं है, जैसे क ख ग घ ङ। पांच के इस समूह को कंठव्य कहते हैं, कंठव्य क्योंकि इसका उच्चारण करते समय कंठ से ध्वनि निकलती है। उच्चारण करके आप खुद प्रयास करके देख सकते हैं। च छ ज झ ञ, इन पांचों को तालव्य तालु कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ तालु महसूस करेगी, उच्चारण का प्रयास कर सकते हैं। ट ठ ड ढ ण, इन पांचों को मूर्धन्य कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ मूर्धन्य यानी ऊपर उठी हुई होती है, आप खुद महसूस कर सकते हैं उच्चारण करके प्रयास करके। त थ द ध न, पांच के इस समूह को दंतव्य कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ दांतों को छू जाती है, आप यदि तैयार है तो उच्चारण का प्रयास करके देख सकते हैं। प फ ब भ म, पांच के इस समूह को कहा जाता है ओष्ठव्य क्योंकि दोनों होंठ इस उच्चारण के लिए मिलते हैं जब भी आप इनका उच्चारण करते हैं। यदि आपको यह भी करके देखना है तो इसका भी प्रयास कर सकते हैं। दुनिया की किसी भी अन्य भाषा में ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप कहीं नहीं पाएंगे। हमें अपनी भारतीय भाषा के लिए गर्व की आवश्यकता है क्योंकि ये ऐसा उच्चारण का एक प्रयास है जो आपके सभी शब्दों को, और किसी भी भाषा में आप कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये बड़े बड़े आपके काम की होंगे। दूसरों को भेजें यदि आपको पसंद आता है और अपनी भाषा, हमारी राष्ट्रभाषा का गौरव बढ़ाएं। धन्यवाद।